नमस्कार, जयपुर सिटी में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव अभी। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में समितियों के गठन को लेकर सियासत चरम पर है। कांग्रेस के साथ अब निर्दलीय पार्षद भी समितियों के गठन को चुनौती दे रहे हैं और समिति सदस्य के पद से इस्तीफा देकर जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट जाने की चेतावनी दे रहे हैं। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में 28 जनवरी को साधारण सभा में समितियां भले ही गठित कर दी गई, लेकिन करीब एक हफ्ते बाद भी ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले कांग्रेस ही समिति गठन को गलत बता रही थी, अब निर्दलीय भी इसके विरोध में उतर आए हैं। ग्रेटर निगम के निर्दलीय पार्षद जय वशिष्ठ ने सफाई समिति सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया और ऐलान किया कि यदि सरकार ने समितियों के गठन को रद्द नहीं किया तो वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बिना अनुमोदन करवाए बिगर इन्होंने समितियां पहले से गठित कर ली और गठित करके अनुमोदन करवाया नहीं और पास करके और ये चल गए। हमने हमारा विरोध दर्ज कराना चाहा तो इन लोगों ने विरोध दर्ज नहीं करा और सदन की कार्रवाई को ख़त्म कर दिया। तो इस तरीके से तो आप नहीं चला सकते। आपको जयपुर के विकास की बात करनी है तो पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर साथ रहना पड़ेगा। पक्ष को भी खुश रखना पड़ेगा तो विपक्ष को भी खुश रखना पड़ेगा, तभी जयपुर का विकास हो पाएगा। देखिए, मैं शुरू से आपने देखा होगा मैं हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ा हूँ, ठीक है, और यही कारण रहा कि मेरे वार्डवासियों ने मुझे चुना एक निर्दलीय के रूप में, और मैं अन्याय के खिलाफ पहले भी लड़ा हूँ और आज भी लड़ूंगा। ये अन्याय हुआ है सभी जो हमारे पार्षद साथी हैं उन लोगों के साथ। 150 पार्षद जब सदन में मौजूद थे और प्रस्ताव जब रखा गया और उसका विरोध हमारे पार्षद साथियों ने किया तो उसको एक ध्वनिमत से पारित कर दिया गया, उनकी सुनी नहीं गई। उधर बीजेपी का कहना है कि नगर निगम ग्रेटर की समितियों में सभी पार्षदों को तवज्जो दी गई है। ग्रेटर नगर निगम के डिप्टी मेयर पुनीत कर्णावट का कहना है कि कांग्रेस को सब तरफ से हार नजर आ रही है, इसलिए ये सब कहा जा रहा है। कांग्रेस की दिक्कत यह है कि वो जनता के आदेश को स्वीकार करने का मन ही नहीं बना पाई है। वो लगातार जनता के बीच में चुनाव हारती है और विकास के कार्यों में रोड़ा अटकाना जैसे उन्होंने अपना धर्म बना लिया है। समितियों का गठन हमने जो एक्ट ने हमें पावर दिए उसके अनुरूप किया है।